request our chief guest, Mrs. Vimla Batham ji, to please come and share her views and show us the path to move on. Thank you. Much for this term. Metal wheel. Other name, Harvan Chaturvedi ji. Other name, Anupam Verma ji. Himanshi Tiwari ji. Yahan samne hamare Manjula Mishra ji. Bahut pehle to be here. Ghandiyal ji. Pilaran Mali ji. Aur sabhi yahan par उपस्थित बहुत ही टैलेंटेड और अपने अपने फील्ड में नाम रोशन करने वाले ऐसे स्टूडेंट सभी को मेरा बहुत प्यार भरा नमस्कार सादर अभिवादन. अभी हरिवंश राय जी ने और मानसी जी ने अपने अपने बातें रखी. लेकिन वो जैसे नाम कितना खूबसूरत है उसी तरह से बहुत अच्छे उद्देश्यों के साथ ये बनाया गया है, इसकी रचना की गई है. अभी हिमांशी जी बता रही थी, जब दिखा रही थी किस तरह से रेनबो काउंसलिंग से काउंसलिंग सेंटर इनकी जो उद्यमी आएंगे, एंटरप्रेन्योर्स आएंगे, उनकी मदद करेगी. वैसे अभी भारत सरकार ने भी कौशल विकास के नाम से और भी कई स्टैंडअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, बहुत सारी चीजें हैं. कौशल विकास के बारे में मैं विशेष रूप से भी बताऊं, क्योंकि मैंने अभी जस्ट अपने यहाँ एक सेमिनार कराया था आयोग में. उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि फ्री आपको ट्रेनिंग मिलेगी और फ्री आपको जो प्लेसमेंट है आपका वो भी यहाँ वहां से होगा. ये बहुत अच्छी बात मुझे लगी उनकी. लेकिन उसमें एक बस थोड़ा सा मुझे लगा कि जो उसमें 18 से 35 साल तक के सिर्फ लोगों को रोजगार है, उसके अलावा नहीं है. तो अभी हमने गवर्नमेंट को लिखा है कि आप इसकी उम्र सीमा जो है वो बढ़ा दें. मुझे लगता है कि जो रेनबो है उसका भी कहीं ना कहीं यही काम है. और प्लेसमेंट की बात तो मुझे नहीं बताई हिमांशु जी ने, लेकिन हाँ ये ट्रेनिंग जो होगी इंटरप्रेन्योर्स की वो बहुत महत्वपूर्ण है. देखिए ऐसा है कि जो हमारी जो अभी जो यहाँ नौजवान बेटियां बैठी हुई हैं वो सब आगे आने वाली फ्यूचर की पता नहीं क्या क्या बनेंगी, कितनी इंडस्ट्रीज बनेंगी, कितनी किस किस फील्ड में जाएंगी. लेकिन इंडस्ट्रीज बनने के लिए यहाँ बिमटेक का सहारा बहुत जरूरी है. और जो यहाँ पर अभी बताया गया किस तरह से ट्रेनिंग होगी वो एक अपने आप में बहुत बड़ी हम ये कह सकते हैं कि बिमटेक की उपलब्धि है. या आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एक मैदान है जहाँ आप आकर अपना सीख सकती हैं किस तरह से अपने बिजनेस को करें. बिजनेस में कुछ चीजें बहुत आवश्यक होती हैं. एक तो ये है कि सबसे पहले तो आपका एम जो है वो आपको पता होना चाहिए कि आपका आपको करना क्या है. दूसरा ये कि आपको गोल क्लियर होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल मन से और दिमाग से बिल्कुल एक होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि आपको कितनी दूर तक जाना है और क्या करना है. उसके अलावा आप रिस्क लेने की क्षमता होनी चाहिए आप में, एप्टीट्यूड होना चाहिए बहुत जरूरी. जो आप करें बेमन से नहीं कुछ भी काम करना कि आपने अपना ऐसे ही टाइम पास के लिए कर रही हैं वो नहीं होना चाहिए. तो ये सब कुछ चीजें हैं. और एक तो उस जो भी आप काम करें, जो भी आप बिजनेस करें उसकी थोड़ी बहुत आपको नॉलेज भी जरूर होनी चाहिए और रुचि होनी चाहिए. सबसे बड़ी चीज तो उसमें रुचि होनी चाहिए सब्जेक्ट में. तो इस तरह की अगर कुछ चीजें आप लोग ठान के मन में और यहाँ आएंगी रेनबो सेंटर में तो आपको ज्यादा फायदा होगा. और जो देखिए हमेशा अभी हरवंशा जी कह रहे थे कि महिलाओं को
ज्यादा तवज्जो नहीं मिलती है। ये बात सही है कि अभी भी हम 21वीं सदी में चल रहे हैं, लेकिन अभी वो बात नहीं आ पाई जो एक आनी चाहिए। हालांकि अब बहुत फर्क हो गया है। मैं तो आयोग में देखती हूँ अपने यहाँ किस तरह से महिलाएं और लड़कियां आती हैं और अपनी बात को रखती हैं बिल्कुल क्लियर तरीके से, लेकिन अभी ऐसे केसेस भी बहुत हैं जो घर में डोमेस्टिक वायलेंस से जो पीड़ित हैं महिलाएं, या जो घर पता लगा के दूसरी शादी कर ली है उसको महिला को बाहर निकाल दिया, ऐसे केस रोज हमारे पास 100, 125, 150 केस डेली आते हैं इस तरह के। बहुत बड़ी संख्या है इसका मतलब इस तरह केसेस की। तो इसमें दो राय नहीं कि अभी बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ बाकी है और बहुत कुछ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। उसके लिए फिर रास्ता निकलता है काउंसलिंग हमारे यहाँ होती है कि किस तरह से हस्बैंड वाइफ जो है वो अपने आपस में मिलके रहें और उनकी जो आपस में मनमुटाव है वो दूर हो जाए, ऐसा हम लोग काउंसलिंग भी करते हैं। यहाँ दूसरी काउंसलिंग है, यहाँ पर काउंसलिंग है इस बात के लिए कि आप किस तरह से जो हमने बातें बताई आपको एक उद्यमी में क्या क्या चीजें होनी चाहिए उसकी काउंसलिंग यहाँ होती है कि आपने अगर सोचा है कि आप किसी खास व्यापार में जा रही हैं तो आपको क्या क्या करना है और किस तरह से आपको ट्रेनिंग लेनी है। ट्रेनिंग लेने से सबसे बड़ा फायदा ये होता है, एक तो आपको विजन क्लियर होता है, खुलता है दिमाग कि आपको क्या करना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम बिल्कुल अंधेरे में होते हैं, हमें पता नहीं होता, हम ये तो चाहते हैं कि हम कुछ करें लेकिन क्या करें ये नहीं पता होता है। तो इसके ये क्या करें ये भी यहाँ से आपको गाइडेंस मिलेगी कि आपको क्या करना है, आपकी एबिलिटी क्या है, ये भी उसमें इनकी काउंसलिंग में इस बात का भी जिक्र होगा, है ना, कि आप तो आपको एकदम जब आपके सामने इन्होंने एक 10-12 चीजें इन्होंने रखी कि ये चीजें हैं आप उसमें से क्या करना चाहेंगे, ये सब्जेक्ट है तो आप उसमें चूज कर सकते हैं, आपके दिमाग में एकदम आ सकता नहीं नहीं हाँ हाँ ये हमारे लिए ठीक है। तो जब ऐसी स्थिति आ जाए, जब आपके दिमाग को एकदम क्लिक कर जाए कोई चीज, तो आप फिर उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसी को लेकर फिर आगे बढ़िए। ऐसे अंधेरे में भटकने से कोई फायदा नहीं कि आप कभी कुछ सोच रहे कभी कुछ सोच रहे। इस तरह से काउंसलिंग सेंटर में आने से ये सबसे अच्छा बड़ा फायदा होता है कि आपको एक रास्ता मिल जाता है, उस रास्ते पर आप चलकर आगे का रास्ता अपना तय कर सकते हैं। और आजकल तो मैं देखती हूँ कि बहुत लड़कियां, देखिए खाली नौकरी करना तो बेमानी चीज है, खाली नौकरी के लिए आप मत भागिए, आप अपना काम करिए। आप कहीं नौकरी करेंगी तो आप उसकी उसके अंदर में काम करेंगी, और यहाँ अगर आप बिजनेस करती हैं, जैसे मंजुला जी बैठी हुई यहाँ पर, इनके कितने एम्प्लॉय काम करते हैं जो ये बॉस है वहां की, तो आप भी बॉस बन सकती हैं, आप भी अपना बिजनेस जमा सकती हैं, बहुत अच्छे से जमा सकती हैं अगर आप रेनबो से यहाँ पर सहायता लेती हैं। और मैं समझती हूँ कि हिमांशी जी काफी इस मामले में बहुत आप लोग सहयोग करेंगी, और आप लोग भी अपना मन से आइए पूरे, और जो ट्रेनिंग यहाँ दी जा रही है उसको पूरी तरह से आप लोग सीखिए समझिए और उस पर अमल करिए। देखिए हमारे यहाँ हम नहीं कह सकते हमेशा से महिला कमजोर थी, जब आदिकाल में तो महिलाओं का ही दबदबा था क्योंकि पुरुष समाज था ही नहीं, शादी प्रथा थी नहीं, तो बच्चे जो थे वो भी महिला माँ के नाम से जाने जाते थे क्योंकि पिता था ही नहीं, पुरुष शादी नहीं थी कुछ नहीं था। धीरे 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 करके पुरुषों ने ये एहसास कराया महिलाओं को कि तुम कमजोर हो और मैं ताकतवर हूं, क्योंकि कुछ नेचर की ये रही कि महिला जो है शारीरिक रूप से थोड़ी कमजोर है और पुरुष थोड़ा बलिष्ठ है, तो उसने उसका फायदा उठाया, जिसको अन्यथा ना ले हमारे भाई बैठे हुए यहाँ पर, उसका फायदा उठाया और एक धीरे धीरे ऐसी चीज आ गई। बीच में तो ऐसा हो गया था कि दासी प्रथा हो गई थी कि पुरुष कमाता था और महिला घर का काम करती थी, घर के काम को कोई महत्व नहीं दिया जाता, जो कमाने वाला है उसी का राज चलता था, और उसने एक दासी की तरह अपनी पत्नी को या घर की जो महिला है उसको उसको ट्रीट करना शुरू किया, जो कि बहुत गलत था। लेकिन धीरे धीरे आज वो जमाना बदल रहा है, बहुत चीजें बदल गई हैं, ये तो बहुत वर्षों चला, सैकड़ों साल चला दासी प्रथा चली, और पैर की जूती हम ये कह सकते हैं जैसे महिला को समझा जाता था पहले, आज वो चीज नहीं है। आप आज लड़कियां भी कमाती हैं, अच्छे अच्छे जॉब कर रही हैं, बहुत हाई पोजीशन में हैं और बिजनेस में भी बहुत सफलता प्राप्त कर रही हैं।
मैं एक बात आपको और बताती हूँ कि महिला और पुरुष में बहुत फर्क कहीं यहाँ पर है कि अगर एक छोटा सुधार में देती हूँ, अगर कोई छोटा सा लोन लेके आप कोई फैक्ट्री डालती है, महिला डालती है, तो वो अगर छोटा सा लोन लेगी तो उसकी इच्छा ये रहती है सबसे पहले मैं अपने लोन को चुकाऊं, अपने पर एक नया पैसा भी फालतू खर्च ना करूं, लोन के ब्याज दूं और लोन की किस्त दे दूं, ताकि हमारे बजट जो है वो सेफ रहे और हम एक दिन ऐसा आए कि हम लोन से मुक्त हो जाए। लेकिन कहीं कहीं पुरुष इससे उल्टा कर देते हैं, वो जो लोन का पैसा उसको खर्च कर डालते हैं, फिर बाद में दिक्कत उनको आती है कि वो किस्त भर नहीं पाते हैं। तो हमेशा महिला जो है हमेशा ईमानदार है अपने हर काम के प्रति, अगर वो कोई काम को लेती हाथ में है तो बहुत शिद्दत के साथ लेती है और बहुत अच्छे शिद्दत के साथ लेने के साथ साथ उसका पूरा फोकस, पूरा उसकी एनर्जी वहां लगती है कि मैं सफल हो जाऊं इसमें। किसी तरह मुझे कुछ ऐसा भी होता है कि जिन्होंने जिनसे विरुद्ध वो चलकर आई है कि जिन्होंने मना किया कि तुम मत जाओ बिजनेस में मत जाओ, और फिर भी वो आई, तो उनको दिखाना भी होता है कि देखो मैं सक्सेस हूं। और वैसे भी हम तो हमेशा एक बात कहते हैं कि जो हमारे यहाँ जो हम सब लड़कियों से कहते हैं और महिलाओं से कहते हैं कि आप अपने बिजनेस को करने आइए या जो भी आपको करना है करिए, आप जरूर निकलिए घर से बाहर। अगर आपके अंदर कोई चीज है मन में, आपके अंदर एबिलिटी है, आपके अंदर कुछ है करने का जज्बा है, तो आप जरूर आगे आइए और अपनी जो आपकी जो मन की तमन्ना है, जो आपके साथ है, उसको पूरा करिए। लेकिन इसके लिए अपने घर से झगड़ा मत करके आइए, बल्कि सबको समझा के सबको साथ लेके फिर आगे आइए आप, तो आपको दोनों फायदे मिलेंगे, घर का भी आपको फायदा मिलेगा, साथ मिलेगा, और बिजनेस में भी आप तरक्की करेंगी वहां भी आपको साथ मिलेगा। और मैं तो समझती हूँ कि हर जो हम लोग बात करते हैं, महिलाएं बात करती हैं आजादी की, तो कोई आजादी नहीं है बिना आर्थिक आजादी के। अगर आर्थिक रूप से आप आजाद हैं, आप आर्थिक रूप से आपकी बैलेंस शीट बनती है, आप आर्थिक रूप से मजबूत हैं, तो जरूर आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप समाज में बहुत अपने आप को बिल्कुल अलग स्थिति में पाएंगी। समाज के लोग भी, घर के लोग भी आपको बहुत सम्मान देने लगते हैं। एक समय ऐसा आता है कि आपकी सेह घर में बढ़ जाती है। तो ये एक बहुत जरूरी चीज है कि आप कुछ करें, नौकरी करें, और नौकरी नहीं मिलती है कई बार, आजकल रिजर्वेशन है, कुछ है, नई नौकरी मिल पाती है, तो आप लोग बिजनेस अपना कर सकते हैं, बिजनेस में बहुत नाम कमा सकते हैं और आगे जा सकते हैं। यहाँ पर बैठे सभी बेटियों को मैं कहूंगी कि अपने मन में सोचें और जो आपके मन में है वहां पर वो सोच के आए और रेनबो इंस्टीट्यूट से आप ट्रेनिंग लें, काउंसलिंग कराएं, और उसके बाद अपना काम करें और आगे बढ़े और एक नाम समाज में प्रतिष्ठा को स्थापित करें, अपने आप को एक ऐसे मुकाम पर ले जाएं जहां आपको सब लोग देखकर ये उदाहरण पेश करें कि देखो उन्होंने इतना आगे बढ़ गई है, हमें भी आगे बढ़ना चाहिए, आपके लोग आपका लोग उदाहरण दे, ऐसी स्थिति आ जाए। तो आज मैं इसके साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Thank you so much, ma'am, for your inspiring words. Your presence have genuinely added so much value to the event. We are really grateful that you've taken out some time from your busy schedule to come and launch this center for us.